नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज हम लोग हल करने वाले हैं पर्यावरण के लगभग 100 प्रश्न, और इन प्रश्नों का स्तर बहुत ही अच्छा है। विभिन्न एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों कोशिश ये रहती है कि ढेर सारे ऐसे प्रश्न करवाए जाएँ जो वास्तव में एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर रिपीट होते हैं। जो लोग यूपीटेट खंड शिक्षा अधिकारी साथ ही साथ सीटेट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए पर्यावरण के प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खास तौर से सामान्य अध्ययन के पेपर में पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे उच्च स्तरीय प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। दोस्तों, इसका विकल्प जो गलत है वो ये है, भौतिक संसाधन का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, दो कथन दिए हैं यहाँ पर। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। पर्यावरणीय शक्तियों तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कथन जो ए है और जो आर है, ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होता है, ये असत्य है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों, जो उच्च स्तर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वही जो है निचले स्तर के एग्ज़ाम में रिपीट होते जाते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही जो है उपयोगी है। तो इसको छोड़िएगा मत, अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वनों को काटने का परिणाम होता है वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, उष्णता की कमी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ हो जाती है वनों के कटानों से। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो दोस्तों, वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इन सभी की हानि होती है। तो विकल्प सही होगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ए फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या डेविस। दोस्तों, ये है ए फिटिंग का कथन कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज या बस्तियाँ। दोस्तों, जो बस्तियाँ हैं ये भौतिक वातावरण के तत्व नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सतत और स्थायी विकास जो है ये नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र दोनों से, या भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले परस्पर क्रियाशील तंत्रों से। दोस्तों, निश्चित रूप से डी विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व
में जो पारस्परिक क्रिया होगी उसी के माध्यम से पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट होगी, इसकी रचना होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम या 25% से कम। दोस्तों, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाएगा जहाँ प्रकृति मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो 50% से कम। पर्यावरणीय निश्चयवादी के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर, डेविस या इनमें से कोई नहीं? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, पर्यावरण निश्चयवादित के जो प्रतिपादक थे वो थे कार्ल रिटर। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों, निश्चित रूप से पर्यावरण का अभिप्राय में ए, बी और सी ये तीनों होंगे, तो विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का या जल संरक्षण वर्ष का? दोस्तों, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में मैंने काफ़ी आपको बताया है पर्यावरण के वीडियोज़ में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 में जो है सतत विकास के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या उपरोक्त सभी। दोस्तों, निश्चित रूप से ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमण, इकोटोन, अनुक्रम या सक्सेशन जिसे बोलते हैं, चरम अवस्था क्लाइमैक्स, क्रमकी या सिरल जिसे बोलते हैं? बताइए। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इसे बोला जाएगा इकोटोन या संक्रमण। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? दोस्तों, ये है प्राकृतिक संसाधन। आगे बढ़ेंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये है जल विद्युत। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप सभी को पता है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग? दोस्तों, बी ऑप्शन जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? आप सभी जानते होंगे 82, 86, 90 या 94। दोस्तों, ये पारित हुआ था 1986 में। UPPCS 13-14 में पूछा गया और UPTET में भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी? दोस्तों, जलकुंभी जो है ये तेजी से वृद्धि करती है। वनों के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस? दोस्तों, ये मिलते हैं लाइकेन। हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील, याद रखिएगा, हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या जलकुंभी? दोस्तों, ये नष्ट हुई है जलकुंभी से। आगे बढ़ेंगे। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मोजोफाइट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हैलोफाइट्स? क्या कहलाते हैं बताइए? तो दोस्तों, ये कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या बजरी? दोस्तों, दोमट मिट्टी जो है ये पादप वृद्धि हेतु सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? प्रकाश, वर्षा, मृदा या मृदा जल?
दोस्तों ये जो वर्षा होती है ये वनस्पति निर्धारित करती है। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या क्रिस्टली जल, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये जो केशिका जल होता है इसको अवशोषित करते हैं, ध्यान में रखिएगा। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, मांसल होते हैं, साकी होते हैं, पर्ववृत्ति होते हैं, पर्णा भी वृत्ति होते हैं। दोस्तों ये होते हैं मांसल। घास स्थली पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सीधा उल्टा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। दोस्तों घास स्थली पारितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होगा वो होगा सीधा होगा। आगे बढ़ेंगे, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी भी प्रकार का नहीं। दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो सदैव सीधा होगा। एक तालाब पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, किसी प्रकार का, बताइए। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों एक तालाब पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो होगा वो उल्टा होगा। आगे बढ़ेंगे, घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा, सदैव सीधा, कभी उल्टा कभी सीधा या सभी प्रकार का। घास स्थली वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड, दोस्तों ये सदैव सीधा होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशी, द्विदिशी, चतुर्दिशी या त्रिदिशी। दोस्तों ये TGT में पूछा गया है, और खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो एक दिशी होगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, देखिए बिल्कुल मोड़ दिया है प्रश्न को। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, लिंडमान का नियम है, 10% का नियम है, आपको ध्यान में, अगर हमारे वीडियो देखते होंगे तो निश्चित रूप से आपको ध्यान होगा, 20%, 40%, 80%, 90%, बताइए। दोस्तों ऊर्जा के ह्रास की बात हो रही है तो 90% ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जब ऊर्जा जाएगी तो उसका केवल 10% भाग ही जाएगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की, चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, डार्विन ने या टेंसले ने। दोस्तों चार्ल्स जो एल्टन थे इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, आत्पोदविद, छायारागी, मरुद्भिद या शैलोद्भिद। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, दोस्तों ये कहलाते हैं आत्पोदविद। अगला प्रश्न, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं, सदा हरित वन, दृढ़ पर्णी वन, घास वन या मरुस्थल, बताइए। दोस्तों जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ पर सदा हरित वन होंगे, तो विकल्प ए सही होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, बस सीरीज को मिस मत कीजिएगा। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ मिलते हैं सदा हरित वन, दृढ़ पर्णी वन, घास वन या मरुस्थल। दोस्तों वहाँ पर पाए जाते हैं घास वन, यहाँ पर ग्रीष्म में भारी और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है वो क्या कहलाता है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। दोस्तों ये कहलाता है क्षोभ मंडल। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हेलोफाइट, ऑक्सिलोफाइट, कैज्मोफाइट या लिथोफाइट। दोस्तों इन्हें बोलते हैं हेलोफाइट। मृदा परिवर्धन को कहते हैं अपरदन, ह्यूमस, मृदा जनन या जलयोजन। दोस्तों मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन। आगे बढ़ेंगे, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, ऊपरी स्तर में, तल स्तर में, मध्य स्तर में या तीनों स्तरों में एक समान। दोस्तों ऊपरी स्तर में जो है अधिकतम तापमान होता है। दृढ़ पर्णी वन जो होते हैं उन क्षेत्रों की क्या विशेषता होती है, पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है, शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम, ग्रीष्म ऋतु में भारी, शरद ऋतु में कम या पूरे वर्ष
कम बरसा? यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये शरद ऋतु में भारी वर्षा होती है द्रपणी वन क्षेत्रों में और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सुपोषी, कुपोषी, दोमट या बलुई? दोस्तों, इन्हें बोलते हैं सुपोषी। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या बोलते हैं? ह्यूमस, ह्यूमस सम्मिश्रित, डफ या करकट? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा, तो इन्हें बोलते हैं ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थों को। अगला प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ए संस्तर, बी संस्तर, आर संस्तर या ओ संस्तर? दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ओ संस्तर में, तो विकल्प डी सही होता है यहाँ पे। उपजाऊ लोम मृदा बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात क्या होता है? 85% बालू, 15% मृतिका, 70% बालू, 30% मृतिका, 50% बालू, 50% मृतिका या 10% बालू या 90% मृतिका? दोस्तों, इसमें होता है 50-50, 50% बालू, 50% मृतिका। आगे बढ़ेंगे। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का सम्मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? यूरिया एवं फास्फेट, डोलोमाइट एवं सल्फर, डोलोमाइट एवं जिप्सम, डोलोमाइट माइट एवं चूना पत्थर? दोस्तों, इसमें मिलाया जाना चाहिए डोलोमाइट एवं चूना पत्थर, तो विकल्प सही होता है डी। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है, बहुत बार पूछा गया है, जो निचले स्तर के एग्जाम है उनमें भी पूछा गया और आप ये देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं ऑसिलोटोरिया, टाइलोपोथ्रिक्स, एनावीना या एजेटोबैक्टर। दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो है एजेटोबैक्टर जो है ये जीवाणु उत्तरदायी है, तो विकल्प सही होता है डी। आगे बढ़ेंगे। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, घास हिरण जू शेर, घास जू हिरण शेर, घास हिरण शेर जू, घास शेर हिरण या जू, तो इनमें से कौन सी सही श्रृंखला है जो घास वन में पाई जाती है? दोस्तों, घास को हिरण, हिरण को शेर, शेर से जू, तो विकल्प इसका कौन सा सही होता है? सी। अगला प्रश्न, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। पारितंत्र का गतिक हृदय, तो ये कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, तो विकल्प डी सही होता है। पारितंत्र में होती है ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि, ऊर्जा व खनिजों दोनों को लाभ। दोस्तों, इसमें होती है ऊर्जा व खनिजों दोनों को हानि होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं मांसाहारी, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषी पादप। दोस्तों, ये होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सीधा, उल्टा, रैखिक या अनियमित? यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये होता है सीधा। आगे बढ़ेंगे। 10% का नियम किसने दिया था? आप सभी जानते हैं, यह दिया था लिंडमान ने। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी, लंबी होगी, अधिक लंबी होगी, छोटी होगी या अधिक छोटी होगी? दोस्तों, ये होगी अधिक लंबी। आगे बढ़ेंगे। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? अपघटक, उत्पादक, पर्णहरित या इनमें से सभी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, इसके लिए अपघटक, उत्पादक और पर्णहरित ये तीनों हो जाइए, तो विकल्प सही होगा डी। अगला प्रश्न, किसी पारितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी तथा अपघटक, पौधे तथा जंतु, जैविक तथा अजैविक पदार्थ? दोस्तों, इनमें से जो जैविक और अजैविक पदार्थ हैं ये पारितंत्र में होते हैं, विकल्प डी सही होगा। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, तो
तो दोस्तों ये सभी क्रियाएं होती हैं, तो विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम का बाग, घास स्थल, एक्वेरियम। कमेंट करते रहें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों पारितंत्र प्राकृतिक होता है घास स्थल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या बोलते हैं? जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या या पारितंत्र? तो इसे बोलते हैं एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं, ठीक है। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? पारितंत्र, जैव समुदाय, जैव समुच्चय या जैव विविधता? तो दोस्तों इसे बोलते हैं जैव समुदाय, विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, इकोलॉजी शब्द देने वाले थे ई हैकल, मिश्रा, ओम या रीटर? ये भी बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने जो है पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10% या 1 से 20%? दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है सिर्फ 1 से 2%। रचना व कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक ही तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, जैव तंत्र या जैव समुच्चय? क्या बोलते हैं दोस्तों? ये कहलाता है पारितंत्र, इकोसिस्टम। एक पारितंत्र में शैवाल यानी कि हरी काई का स्थान क्या होगा? उपभोक्ता, उत्पादक, अवघटक या शाकाहारी? दोस्तों हरी शैवाल जो होगी वो उत्पादक होगी। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक या सर्वाहारी? ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ये होते हैं उपभोक्ता। पारितंत्र में बाज का स्थान कौन सा होता है? उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता? दोस्तों बाज का जो स्थान होता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता का होता है। पारितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक? दोस्तों मानव जो है वो सर्वाहारी है। अगला प्रश्न 51 आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। प्रश्न था पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? सुपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी या विषम परमोषी? तो दोस्तों अपघटक होते हैं मृतोपजीवी, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी या इनमें से सभी? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों मृतोपजीवी जो है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं, उत्पादक, अवघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता? दोस्तों ये होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। आगे बढ़ेंगे, जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? 1.4 किमी, 1 से 4 किमी, 22 से 30 किमी, 114 किमी या 11.4 किमी? बताइए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। दोस्तों जो जैव मंडल होता है, जल, थल एवं वायुमंडल, ये 22 से 30 किमी तक होता है, तो विकल्प बी सही होगा। विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को कहते हैं जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या आयन मंडल? दोस्तों इसे बोला जाता है जैव मंडल। आगे बढ़ें, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को क्या बोलते हैं? सभी जानते हैं एक्वेरियम बोलते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है स्वनियंत्रित, कृत्रिम पारितंत्र, जलीय तंत्र, अंतरिक्ष पारितंत्र? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों अंतरिक्ष यान में जो बनाया जाएगा वो होगा कृत्रिम पारितंत्र। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होगा? पारितंत्र संकट, पारिस्थितिकी संकट, जैव विलुप्ति संकट या जैव संकट? दोस्तों ये होगा पारिस्थितिकी संकट। आगे बढ़ेंगे, मानव निर्मित पारितंत्र है वन पारितंत्र, फसल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र, अलवणीय जल पारितंत्र? बताइए। दोस्तों ये होगा मानव निर्मित फसल पारितंत्र। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सभी जानते हैं सूर्य है। आगे बढ़ेंगे,
जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। भक्षपोषी उपभोक्ता अवघटक प्राथमिक उपभोक्ता एक्टिनोमाइसीज बताइए तो इसे बोलेंगे, ये होते हैं अवघटक। पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी कौन सी होती है? स्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना, पोष रीति। दोस्तों ये होती है जैव संरचना। आगे बढ़ेंगे, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? पादप एवं प्राणी, जीवी तथा जीवी, मछली एवं मेढक, मेढक एवं शेर। बताइए दोस्तों दो घटक होते हैं जीवी और अजीवी। ठीक है, कंटिन्यू किया जाए कि यहीं पे समाप्त किया जाए? चलिए कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, पादपों का अंतिम अपघटक, खाद स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता, क्या होगा? ऐसे प्रश्न मैंने आपको कई बार कराए हैं, तो मोर निश्चित रूप से खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। मितोपोषणी झील का उदाहरण कौन सा है? कश्मीर की डल झील, उड़ीसा की चिल्का झील, राजस्थान की सांभर झील, दक्षिण भारत की ऊटी झील। बताइए ओलिगोट्रॉपिक झील कौन सी है? दोस्तों यह है राजस्थान की सांभर झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलवायवी कारकों में कौन सा पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तापक्रम परिवर्तन, पवन, सूर्य प्रकाश की दशाएँ, जल की प्राप्तता। दोस्तों इसमें जो है सबसे कम प्रभाव डालेगा पवन। अगला प्रश्न, नुकीली पत्तियों भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? मरुद्भिद, आर्द्रतोद्भिद, समोद्भिद या मरुस्थली पौधे। दोस्तों ये होते हैं मरुद्भिद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, बायोम, बायोटोप, इकोटोन या सियर। दोस्तों ये होते हैं इकोटोन। संक्रमण क्षेत्र मैंने आपको बताया था इकोटोन होते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? एकाकी जीव की, जीव समुदाय की, पारिस्थितिकी तंत्रों की या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये होती है पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता। आगे बढ़ेंगे, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवी प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा के प्रगामी क्षय हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या प्रजनन। बताइए दोस्तों ये होता है श्वसन। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? दो, तीन, चार या पाँच। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों लगभग चार कड़ियाँ होती हैं, तो विकल्प इसका सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ज्वार, जली प्रवाह, जीवाश्म ईंधन या सौरिक विकिरण। दोस्तों जो सौरिक विकिरण है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है साकी पौधों के लिए, झाड़ी पौधों के लिए, वृक्षों के लिए, छायाप्रिय पौधों के लिए। स्क्लेरोफाइट्स क्या होते हैं बताइए? दोस्तों ये होते हैं झाड़ी वाले पौधे, तो विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, उच्च श्रेणी के मांसाहारी यानी कि टॉप कॉर्निवोर्स शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं, अधिकतम अंश, न्यूनतम अंश, आधांश या संपूर्ण अंश। दोस्तों ये होता है न्यूनतम अंश। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? म्यूटेशन की प्रक्रिया उद्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है, लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीव जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है, सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से विकल्प डी सही होगा, ये सत्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं, होलार्ड, चिसार्ड, इकार्ड या इनमें से कोई नहीं। एकदम नए प्रश्न आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं।
दोस्तों ये बोले जाता है होलार्ड। किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या होता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, अमीमीटर, ऑक्सीनोमीटर, बताइए। दोस्तों ये होता है हाइग्रोमीटर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा एक दो प्रश्न और देखते हैं। बालकोदविद किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? चट्टानों पर, बजरी तथा रेत में, बेकार सख्त भूमि में, जलीय परिस्थिति में, बताइए। दोस्तों ये बजड़ी तथा रेत में उगने वाले पौधे हैं। अगला प्रश्न, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन पढ़िए, ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है। जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं। जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है, बताइए। दोस्तों निश्चित रूप से ये जो डी कथन है ये सत्य नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है, ये कथन गलत है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? सेलोफाइट, कर्सोफाइट्स, बालकोदविद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं कर्सोफाइट्स, तो विकल्प सही होता है सी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस प्रश्न सीरीज से ज़रूर जुड़े रहिएगा, ताकि जो कुछ दिनों का मौका हम लोगों को मिला है उसमें हम लोग बहुत ही अच्छा कर सकें, क्योंकि इस सीरीज़ में ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों जो वास्तव में किसी न किसी उच्च स्तरीय एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुपों पर, फेसबुक पर, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं जल्दी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।